नमस्कार, एएस न्यूज आपका सच चैनल में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां महान बलिदानी वीर अब्दुल हमीद के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के अनाम द्वीपों में से एक द्वीप का नाम कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषणा की गयी। इस अवसर पर अब्दुल हमीद के पोते जमील अब्दुल हमीद ने खुद मौजूद रहे और वहां से अपना वीडियो संदेश भेजा है और देश की भाजपा सरकार के साथ पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जब हमने उनके घर पर बड़े बेटे जैनुल हसन से संपर्क किया तो उन्होंने फोन से कहा कि हम लोग मुंबई एक शादी में जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस निर्णय से हम सभी गौरवान्वित हैं। आपको बता दें कि वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के दुल्लहपुर क्षेत्र के धामूपुर गांव के निवासी थे और उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री हैं। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने वाले अब्दुल हमीद के पंजाब के फिरोजपुर के खेमकरण सेक्टर में बने शहीद स्तंभ पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। जी, आज मुझे ये अवसर मिला अंडमान निकोबार आने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अंडमान निकोबार के उप राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज 21 शूरवीर जो परमवीर चक्र से सम्मानित लोगों के नाम पे यहाँ अंडमान निकोबार में द्वीपों का नाम रखा गया है। और आज मुझे बेहद खुशी हुई कि सरकार जो है इस तरीके का शहीदों के प्रति और सेना के प्रति जो उनका एक मन में है कि उनको हम कैसे सम्मान करें, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे याद है कि जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से फर्स्ट टाइम मिला था दादी को लेकर के, तो दादी ने मेरी जैसे ही पहुंची और प्रधानमंत्री जी पैर छू करके उन्होंने एक शब्द ये कहा था कि आप मेरी माँ हो, और माँ की तरह उन्होंने सम्मान दिया। और उसके बाद फिर हमारी दादी ने कहा कि हम शहीद परिवार को और परमवीर चक्र से जो नवाजे गए हैं सेना को कोई अब तक ध्यान नहीं देता है, क्या आप ध्यान देंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ध्यान देंगे और ये हमारे लिए सौभाग्यशाली होगा कि हम सेना और उन जाबाज सिपाहियों के लिए, उन शूरवीरों के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आज मैं परमवीर चक्र भी लेके आया हूँ, मैं यहाँ दिखाया, जो मेरी दादी की मन में था कि ये परमवीर चक्र जो हमें मिला है तो इसकी चमक कैसे बरकरार रहेगी, ये काफ़ी दिन हो गया है और कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन आज मुझे यहाँ आ करके आज मैं दादी की बातों को याद कर रहा हूँ तो मुझे याद आया कि दादी ने कहा था कि जब जब कुछ अगर ऐसे शूरवीरों और परमवीर चक्र के नाम पर कुछ कार्यक्रम होंगे तो इस परमवीर चक्र में चमक आएगी। और वो भोजपुरी में बोलती थी कि क्या ऐसा दिन आई कि जो न केहू भी हमारे देश खातिर परमवीर चक्र और शहीद के प्रति कोई काम करी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।